morning students, I am your maths teacher and today I will teach you maths of class 3rd. Today we continue chapter 1, numbers beyond 1000. And today we start new exercise 1.3, page number 10 and 11. So see part A. Open your book. This is your maths book, maths of class 3rd. Exercise 1.3 and page number 10. A part. See here, what is the written here? Write the expanded form of the following three forms. हमें इनको expanded form में लिखना है. तो देखिए थ्री फॉर्म्स लिखा हुआ है. मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हम इसको लिखेंगे. सी हियर इन दिस कॉपी ए पार्ट एक्सपांडेड फॉर्म. ये हमें थ्री फॉर्म्स में लिखना है. देखिए सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म जो है उसमें हम किस तरह से इसको एक्सपांड करेंगे. देखिए फाइव है तो आप पहले फाइव लिखिए और फाइव के पीछे देखिए कितने डिजिट हैं. 1 2 3 तो आप इसके पीछे 3 0 लगा दीजिए आप. फिर प्लस अब ये फोर है, फोर लिखिए. अब फोर के पीछे कितने डिजिट हैं. 1 2 तो यहाँ पर 2 0 लगा देंगे हम. फिर प्लस अब थ्री लिखिए, ये थ्री है, यहाँ थ्री लिखेंगे. अब थ्री के पीछे कितने डिजिट हैं. 1 तो यहाँ 1 0 लगा देंगे. देन प्लस अब ये क्या बचा बच्चों सबसे लास्ट में. 7 तो जो सबसे लास्ट में डिजिट है वहाँ पे हम 0 नहीं लगाएंगे. तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया. अब इसी को हम सेकंड फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे. देखिए 5000 है ये, तो 5000 का बच्चा हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 × 1000. तो ये हमारा 5000 बन जाए, यानी कि 0 को अलग करना है. फिर प्लस 4 हम यहाँ लिखेंगे और ये 2 0 हैं, यानी कि मल्टीप्लाई 100, क्योंकि 2 0 100 में आते हैं. तो 4 × 100 तो 400 होता है. प्लस 3 को हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई, ये 1 0 है यानी कि 10. फिर प्लस 7, ये हमारा इसी तरह से रहेगा. और 7 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से. ओके तो ये हमारा सेकंड फॉर्म हो गया. अब इसका थर्ड फॉर्म अब हम इसको स्पेलिंग में लिख लेंगे. देखिए ये 5 है तो हम यहाँ लिखेंगे 5 और ये 1000 है तो इसको हम स्पेलिंग में लिखेंगे 5000s. TH OUSANDS तो 5000s. फिर ये प्लस आ जाएगा 4. अब ये क्या है 100, इसकी स्पेलिंग लिख लेंगे अब 100 की. 100s प्लस 3 लिखो और ये क्या है टेंस, TNS टेंस. प्लस ये 7 और ये 1 है तो 1s. तो बच्चों ये थ्री मेथड यानी थ्री फॉर्म्स में हमने इसको क्या किया, एक्सपांड कर दिया. यानी जो हम नंबरों को अलग अलग करते हैं वो थ्री फॉर्म्स में कर सकते हैं. इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से भी और इस तरह से भी. तो ये आपको इसमें ये थ्री फॉर्म्स में आपको ये सभी नंबर्स एक्सपांड करने हैं. तो इसी तरह से आप कर लेंगे. चलिए एक नंबर और मैं आपको करके बता रही हूँ, बाकी नंबर्स आप करेंगे. तो सबसे पहले हम कौन सा मेथड करते हैं, 0 लगाने वाला. ओके देखिए 5 है, अब इसके पीछे कितने डिजिट हैं. 1 2 3 तो 3 0. प्लस अब 6 लिखेंगे, पीछे कितने डिजिट हैं. 1 2 तो 2 0. प्लस 9, अब कितने डिजिट हैं पीछे. 1 तो 1 0. प्लस अब ये 2 का 2 तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्म बन गया. अब इसे हम क्या करेंगे, इस 0 को अलग करेंगे. 5 लिखेंगे और ये 3 0 मल्टीप्लाई में 1000. प्लस 6 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 0 हैं तो 100. 9 मल्टीप्लाई 1 0 किस में आता है बच्चों, 10 में. प्लस 2 × 1 तो ये दूसरा फॉर्म हो गया हमारा. अब
थर्ड फॉर्म में क्या करते हैं बच्चों, थाउजेंड हंड्रेड टेन इनकी स्पेलिंग लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फाइव थाउजेंड्स प्लस सिक्स हंड्रेड्स प्लस नाइन, अभी टेन है तो टेंस प्लस टू वंस, यहाँ पे वंस आ जाएगा। इसी तरह से सभी नंबर्स आपको थ्री फॉर्म्स में एक्सपांड करने हैं। तो इस तरह से आप अपने आप कर लेंगे आप। अब करते हैं हम बी पार्ट शॉर्ट फॉर्म। देखिए ये हमारे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो इनको मिलाकर हमें शॉर्ट में यहाँ पर लिखना है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, सबसे पहले हम ज़ीरो काउंट करते हैं। इसमें कितने ज़ीरो हैं, वन टू थ्री। अब हम एक एक ज़ीरो कम करते जाएंगे और उस ज़ीरो के नंबर लिखने हैं बस। तो एट लिखेंगे सबसे पहले हम, यानी थ्री ज़ीरो का नंबर लिखना है बस, हटा देंगे। अब थ्री ज़ीरो में हम एक ज़ीरो कम कर देंगे तो टू ज़ीरो है हमारे पास, तो टू ज़ीरो वाला नंबर सिर्फ नंबर लिखेंगे, सेवन ज़ीरो को छुपा देंगे। अब वन ज़ीरो ढूँढो, वन ज़ीरो ये है, वन ज़ीरो को छुपा दो, सिर्फ फाइव लिखेंगे। अब वन ज़ीरो का हट गया तो सिर्फ नंबर सिक्स, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म बन गया। इसमें देखिए पहले सेवन लिखो आप, इसमें कितनी ज़ीरो हैं, वन टू थ्री। तो अब टू ज़ीरो ढूंढो, टू ज़ीरो कहाँ है, इसमें, तो टू ज़ीरो छुपा दो, तो सिक्स लिखेंगे। अब टू ज़ीरो में एक कम कर देंगे तो वन बचे, वन ज़ीरो ये है, फाइव लिखेंगे। अब टू, ओके समझ में आया बच्चों। पहले थ्री ज़ीरो वाला नंबर, फिर एक ज़ीरो कम करेंगे तो टू ज़ीरो वाला नंबर, फिर एक ज़ीरो और कम कर देंगे तो वन ज़ीरो वाला नंबर, फिर खाली नंबर, यानी एक एक ज़ीरो हम कम करते जाएंगे और उसका नंबर लिखते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर फोर लिखो पहले, इसमें कितने ज़ीरो हैं, वन टू थ्री। तो थ्री ज़ीरो तो हमने यहाँ लिख दिए, थ्री ज़ीरो वाला नंबर। अब टू ज़ीरो, टू ज़ीरो इसमें है, छुपाओ, सिक्स। अब वन ज़ीरो, वन ज़ीरो तो है ही नहीं, तो यहाँ पे ज़ीरो लिख दो, नहीं है ना, तो एबसेंट ज़ीरो। अब फिर एट, क्योंकि वन ज़ीरो के बाद सिर्फ नंबर लिखा जाता है। देखो इसमें पहले थ्री लिखेंगे, अब ज़ीरो काउंट करो, थ्री हैं तो थ्री हमने यहाँ पे थ्री नंबर लिख दिया। अब थ्री ज़ीरो के बाद कितनी ज़ीरो देखनी है बच्चों, टू, तो टू ज़ीरो इसमें है, छुपा दो, तो सिर्फ फाइव लिखेंगे। आप टू ज़ीरो में एक ज़ीरो कम कर देंगे तो कितनी ज़ीरो नंबर देखनी है, वन, वन ज़ीरो ये है, इसे छुपा दो, तो ये नंबर लिखेंगे सिक्स। अब ये सेवन, तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों, शॉर्ट फॉर्म। अब सी पार्ट, देखो ये एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पे जो बॉक्स है इनमें हमें डिजिट लिखनी है। तो ये क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे वन थाउजेंड थ्री ज़ीरो है ना, वन टू थ्री, तो यहाँ पे थ्री नंबर, थ्री डिजिट के ना, वन टू थ्री, तो थ्री के बाद क्या है ये, फाइव, तो हम यहाँ लिखेंगे फाइव। यहाँ पे टू ज़ीरो हैं तो पीछे से टू ज़ीरो, वन टू, ये सिक्स लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि सिक्स के पीछे ही तो टू ज़ीरो लगेगा। अभी एक ज़ीरो है तो एक नंबर छुपा दो, तो इसे क्या है, फोर, और वन है यहाँ सबसे लास्ट वाला नंबर। देखो वन, वन टू थ्री ज़ीरो हैं तो वन टू थ्री यहाँ पे छुपा दिए, क्या दिखाई दे रहा है, नाइन, तो नाइन लिखेंगे। अब यहाँ पे टू है, यानी कि ये वाला टू तो यहाँ लिखा हुआ है, और हमें ज़ीरो लगाना है तो टू के पीछे कितनी डिजिट है, वन टू, तो यहाँ पे हम हंड्रेड लिख देंगे। प्लस फोर, यानी ये वाला फोर लिखा हुआ है तो इसके पीछे कितनी डिजिट है, वन, तो यहाँ पे हम टेन लिखेंगे फिर। और प्लस यहाँ वन है तो लास्ट का नंबर क्या है, सिक्स, तो यहाँ सिक्स लिख देंगे। तो इस तरह से हमने इसको फिल कर लिया। देखिए थर्ड है, इसमें भी हमें ये बॉक्स में नंबर लिखने हैं, वन टू थ्री ज़ीरो हैं तो यहाँ से थ्री नंबर छुपा दो, वन टू थ्री, ये सब छुपा दिए, क्या दिखाई दे रहा है, थ्री, तो ये थ्री हम यहाँ लिखेंगे।
अब ये 100 है, 20 है, 12, तो 12 डिजिट छुपा दी हमने। इससे पहले क्या है ये 4, तो इसे 4 लिखेंगे। ये 10 है, 10 है, तो एक डिजिट छुपा देंगे, तो इससे पहले क्या है 5, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे। इसी तरह से ये 6 है, 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 का। इसी तरह से देखिए ये लास्ट है हमारा, इसमें भी सेम हमें इसी तरह से करना है। देखिए बच्चे यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है, तो 1 2 3 0 है, तो 3 डिजिट छुपा दो, 1 2 3 हमने छुपा दी, तो क्या है 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो 100 है, 1 2 0 है, तो यहाँ से 2 डिजिट छुपा दी हमने, 1 2 ये, तो इस क्या दिखाई दे रहा है इससे पहले 8, तो हम यहाँ 8 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो 10 है, तो 1 डिजिट छुपा देंगे हम, तो इससे पहले कि ये 7, तो हम यहाँ 7 लिखेंगे। और यहाँ पे देखो ये 1 लिखा हुआ, ये 1 है, तो इस जो लास्ट डिजिट होती है उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 का। तो ये तरह से हमने ये भी क्या हमारे एक तरह से एक्सपांडेड फॉर्म। तो चल एक्सरसाइज 1.3 इज़ कम्प्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।